नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, आज के ज़माने में जो हमारा खाना पीना, इसमें मिक्सिंग इतना आता है जिसकी वजह से बीमारी आती है। कई बार शनिदेव हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जिसकी वजह से भी बीमारी आती है। हाँ, कभी बीमारी आती है नेचुरल ढंग से, शरीर है, कभी कुछ हो गया तो वो नेचुरल है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रमाण में हमेशा ही बीमार रहना इज अननेचुरल। एक्सीडेंट कभी हो गया समझ में आता है, हमेशा एक्सीडेंट होना, और एक का एक्सीडेंट होना, एक व्यक्ति का, एक मेंबर का घर में 10 दिन नहीं होते, किसी दूसरे का एक्सीडेंट हो जाता है। सामान्य मतभेद होना अलग बात है, लेकिन हमेशा मतभेद होना, हमेशा घर में लड़ाई होना, कलेश होना, ये सब कुछ अननेचुरल है। जब शनि आपको परेशान करेंगे या कोई तंत्र मंत्र बाधा आप पर की गई होगी, आपके घर में कोई गलत चीज भेजी होगी, तब ऐसी दुर्घटनाएं घटना शुरू हो जाती है। शनि को, शनि मतलब जब आपको परेशान करेंगे तो ये सारी घटनाएं शनि से लग करके ही आपकी लाइफ में आती है। और वैसे इसके लिए, ये तो उपाय मैं आपको बताने के लिए जा ही रही हूँ, साथ में दोस्तों बहुत अच्छी ये चीज़ की मैं आपको जानकारी दूँ कि टूम लाइन ब्लैक स्टोन है। ये स्टोन ऐसा है जो गरीबी, बीमारी को, भूत प्रेत बाधा, नजर हाय, बद्दुआ, हर चीज को दूर भगाता है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो ही रहा है, बार बार एक्सीडेंट होते हैं, एक न एक व्यक्ति बीमार ही रहता है, तो आप टूम लाइन जरूर ऑर्डर करें और इसको आप अपने घर में प्लेस दे दें। आप देखेंगे इन तमाम चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। बीमारी है, टूम लाइन हमेशा, तकिए, जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके तकिए के नीचे टूम लाइन जरूर रख दें। शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, दरवाजे पर टूम लाइन टांग दें, शत्रु की शक्ति खत्म। जो लोग नहीं मंगा पा रहे हैं वो एक छोटा सा उपाय करें, ये छोटा सा टोटका है, इससे आप करेंगे, इससे भी बीमारी में आपको तुरंत राहत मिलेगी। कई बार टोने टोटके, छोटी मोटी प्रेत बाधा, भूत बाधा, ये भी व्यक्ति को हमेशा बीमार रखती है। आपको क्या करना है, ये उपाय आपको वैसे शनिवार के दिन करना है। आप जो भी आपकी पुरानी दवाइयां हैं, जिन दवाइयों का आप यूज़ कर रहे हैं, और उनमें से कुछ ऐसी टेबलेट्स हैं, दवाइयां हैं जिनका अब यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ आपने डिब्बे में रख करके रखा है फ्यूचर के लिए। ये बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कभी भी दवाइयों को आप इकट्ठा करके ना रखें। हाँ, कभी आप बाहर जा रहे हैं, सफ़र में हैं, तो आप दवाइयाँ साथ में ले लें, अपनी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई लोगों की आदत होती है, जैसे बॉटल लेकर के आ गई किसी सिरप की, वो 2 साल चलने वाली है, तो उसको रख करके रखते हैं कि ये फिर कभी काम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा उसको 10-15 दिन भले आप रखें, उससे ज़्यादा दवाइयों का स्टॉक घर में ना करें। घर में अगर दवाइयों का आप स्टॉक करेंगे ना कोई बीमार रहेगा ही रहेगा। जो चीज़ आपके घर में आती है, जो उसका नेचर है, उस चीज़ को अपने अंदर खींचती रहती है, जैसे मैं बताती हूँ ना, पाइराइट रखोगे अपने घर में, वो धन को खींचता है। मंगल आपको परेशान कर रहे हैं, मूंगा धारण करो, मंगल की सारी तकलीफों को खींच लेगा। जो चीज़ जिससे जुड़ी हो, वो चीज़ को वो अपने अंदर लेता रहता है। दवाइयाँ ऐसी चीज़ है जो ऐसी नेगेटिव इफेक्ट पैदा करती है, आपको उसकी नीड होने लग जाएगी। कभी भी उसका बिना वजह स्टॉक ना करें, दवाइयों को कभी सजा करके ना रखें। कई लोग बहुत सुंदर सुंदर डिब्बों में दवाइयाँ रखते हैं, दवाइयों को कभी इतना इम्पोर्टेंस ना दें। दवाइयाँ कभी बहुत अच्छे तरीके से सजा कर ना रखें। एक टॉयलेट, कई लोग टॉयलेट को बहुत सजाते हैं, टॉयलेट को साफ रखें और सजा करके ना रखें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी यहीं रहती है। टॉयलेट बहुत सुंदर रहेगा, नेगेटिव एनर्जी कभी आपके घर से नहीं जाएगी, उसे कभी बहुत सुंदर ना रखें। दवाइयों की कभी पोटली बना करके ना रखें। कई लोग दवाइयों की पोटली बनाकर हमेशा सिरहाने रखते हैं, क्योंकि हमेशा ही तबीयत खराब रहती है, किससे बार बार दवाई मांगी जाए। दवाई खाली, बाकी की पोटली बनाकर तकिए के पास रख ली, दूसरा टाइम हुआ
फिर से पानी लिया, उसमें से दवाई ली और खा लिया। बहुत बीमार है और कुछ समय ये करना पड़ता है बराबर है, लेकिन हमेशा जैसे एसिडिटी के टेबलेट से बॉडी पेन की है तो लोग उसको हमेशा ही साथ में रखते हैं, क्योंकि वो हमेशा रोज़ ज़रूरत पड़ती है और उसको इसकी पोटली बना करके रखते हैं। तो ऐसा ना करें, ये चीज़ें आपके घर में नेगेटिविटी को उत्पन्न करेगी और उस रोग को जाने ही नहीं देंगी। तो ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ आप शनिवार के दिन करें, किसी कारणवश से भी शनिवार को रह जाए तो आप रविवार को भी कर सकते हैं, दोपहर के समय करें या रात को 8 बजे के बाद करें। जो भी पुरानी दवाइयाँ हैं जिसका आपको यूज नहीं करना है उसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज में 7 बार उबारें और जाकर के चौराहे पर फेंक दें। चौराहे पर दवाइयाँ फेंक दी वो पैर के नीचे कुचल कुचल करके जाएंगे, खत्म होगी। जिस रोग से आप पीड़ित थे उस रोग से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। बहुत साधारण टोटका है लेकिन ये बहुत जल्दी काम करता है, करके देखिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य, और आप अपने कीमती सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए आप वो सब्जेक्ट भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी मैं उन्हीं वीडियोस को बना रही हूँ जिनकी फरमाइश आप करते हैं। कई एक ऐसी वीडियोस आपने देखा होगा जो मैंने आज से साल भर पहले अपलोड की और हमारे सब्सक्राइबर को नहीं मिल रही है, उन्हें भी मैं अपलोड कर रही हूँ। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो आप आराम से चैनल पर जा सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं, पूरी चैनल आपके सामने आ जाएगी। आप आराम से जो भी आपको चाहिए वीडियो आप उसे देखें और बोलें। गूगल पर भी आप गूगल बाबा से पूछेंगे अननोन वर्ल्ड बाय वीना, और जो भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए, गरीबी है, बीमारी है, हाय नज़र बद्दुआ है, आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, जय श्री कृष्ण।